वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। पिछले सेशन हमने 15 क्वेश्चन को देखा था, नेक्स्ट आज 16 से स्टार्ट करेंगे। टोटल जो है 35 नंबर तक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आर्टिकल जो है कुछ इम्पोर्टेंट है, 164 के में क्या है कि इसमें सीएम, प्रत्येक राज्य का एक सीएम और उसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं उसके साथ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर का जो है अपॉइंटमेंट दिया गया है, ठीक है, आर्टिकल 164 में। इसके अलावा अगर आर्टिकल 164 का हम चौथा पार्ट लें तो इसमें दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री बन सकता है, ठीक है, यदि वो 6 मंथ के अंदर, ठीक है, 6 मंथ के अंदर जो है वो विधानसभा का अध्यक्ष होना चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है अध्यक्ष लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है मेंबर होना चाहिए, ठीक है, सदस्य होना चाहिए, एनी बडी सीएम, ठीक है, एनी बडी सीएम कोई भी हो सकता है यदि वह 6 महीना के अंदर जो है विधानसभा का मेंबरशिप ले लेगा। तो झारखंड में देखिए कैसे सीएम का बंटवारा हुआ है। जो पहले सीएम है वो कौन है, बाबूलाल मरांडी है। अगर दूसरा लें, फिर चौथा लें, फिर आठवां लें, तो इस टाइम कौन है, सेकेंड टाइम, फोर्थ टाइम, एट टाइम का कौन है, अर्जुन मुंडा है, ठीक है, अर्जुन मुंडा जी हैं। फिर अगर इसमें ले लें पांचवे टाइम, तो पहले जो निर्दलीय मुख्यमंत्री है वो कौन है, मधु कोड़ा है, ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट निर्दलीय मुख्यमंत्री है, निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है, मधु कोड़ा है। फिर अगर हम तीसरा हो गया छठा हो गया, सातवां हो गया, ये कौन है, शिबू सोरेन है, ठीक है। उसके बाद अगर 9 और 11 ले लेंगे, 9 टाइम और 11 टाइम अगर ले लेंगे तो ये कौन है, हेमंत सोरेन जी हैं, ठीक है, हेमंत सोरेन हैं। फिर और 10वें जो है ये कौन है, रघुवर दास है। 10वां इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल एक बार में जो है पूरा पूर्ण कार्यकाल जो है समाप्त किया है, ठीक है, पूर्णकालिक मुख्यमंत्री जो है समाप्त करने वाले, यानी कि 5 ईयर्स के लिए जो है कौन रहे हैं, यही रहे हैं, एक पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाले जो है मुख्यमंत्री कौन है, एकमात्र रघुवर दास है, ठीक है। इनका चुनाव क्षेत्र जो है, रघुवर दास के बारे में जानेंगे तो इनका चुनाव क्षेत्र कहाँ पर, जमशेदपुर हुआ करता है, और ये जमशेदपुर के रघुवर दास, ठीक है। अगर इनका चुनाव क्षेत्र लें तो ये कहाँ है, जमशेदपुर है, ठीक है, चुनाव क्षेत्र हो गया, जमशेदपुर हो गया। इसके अलावा जो है और एक इम्पॉर्टेंट इससे रिलेटेड है कि रघुवर दास जो है पहले गैर आदिवासी जो है सीएम रह चुके हैं, ठीक है, झारखंड का जो पहला गैर आदिवासी सीएम कौन है, ये रघुवर दास ही हैं। ये जो है टाटा स्टील में वर्कर्स के तौर पर काम किया करते थे, टाटा स्टील में जो है ये काम किया करते थे। उसके अलावा इसमें एक और क्या इम्पोर्टेंट है कि जब बाबूलाल मरांडी का सरकार था तो उस टाइम में जो है रघुवर दास जो है श्रम एवं नियोजन मंत्री के पद पर कार्यरत थे। इसके अलावा अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में जो है इनको भवन निर्माण विभाग मंत्री जो है बनाया गया था, और ठीक है, और ये पूर्ण कार्यकाल जो है कंप्लीट करने वाले पहले सीएम है।
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। 17वां नंबर क्वेश्चन आता है कि झारखंड में बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र का जिले कौन सा जिला था, यानी कि बिरसा आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था कौन सा था, ये कहाँ पर आता है? ये खूंटी में आता है, ठीक है। और खूंटी में भी बहुत सारे ऑपरेशन, यहाँ पर एक डोंबारी पहाड़ी हुआ करता था, यहीं से ये जो है आंदोलन को लीड किया करते थे। डोंबारी पहाड़ी ये कहाँ है? खूंटी में है, ठीक है। तो ये जो है बिरसा आंदोलन जो है कब से कब तक चला? 1895 से स्टार्ट होकर जो है ये 1900 तक चला था। ये पहले जो आंदोलन था सुधारवादी था, आंदोलन पहले क्या था? सुधारवादी था। बाद में इसका जो मोटो हो गया कैसे? राजनीतिज्ञ हो गया, ठीक है। इसका जो बाद में मोटो हो गया ये राजनीतिक हो गया। राजनीतिक, ठीक है, यानी पहले ये सुधारवादी था, बाद में राजनीतिक इसका उद्देश्य हो गया, फिर ये धार्मिक भी था या फिर आर्थिक भी था इसके साथ में, ठीक है। ये सभी मोटो था सुधारवादी, पहले सबसे पहले सुधारवादी के तौर पर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बाद में राजनीतिक हो गया, धार्मिक हो गया, आर्थिक हो गया। तो बिरसा आंदोलन का जो उद्देश्य था ये सुधारवादी भी था, राजनीतिक भी था और धार्मिक और आर्थिक भी था, ठीक है। तो देखिए इसका राजनीतिक अगर उद्देश्य पूछेंगे, राजनीतिक क्यों था ये, तो इसका मेन मोटो क्या था कि जो स्वतंत्र मुंडा राज है उसकी स्थापना करना, ठीक है। जो स्वतंत्र मुंडा राज है उसकी स्थापना करना, ये इसका राजनीतिक उद्देश्य था। अगर धार्मिक उद्देश्य की बात करेंगे तो देखिए हु क्या गया था, जितने भी ईसाई लोग हैं उनका धर्मांतरण कराया जा रहा था, यानी कि धर्म का जो है परिवर्तन कराकर जो है उसको उनके मुख्य धारा से दूसरे धारा में ले जाया जा रहा था। इसलिए इसका मोटो था इस आंदोलन का कि जितने भी ईसाई अपने पद से भटक गए हैं, अपने धर्म को छोड़कर जो है दूसरे धर्म में चले गए हैं, उनको अपने धर्म में लाना, ये एक कारण था। तथा ये भी धार्मिक में विविध था कि बहुत सारे लोग जो है अलग अलग देवताओं की पूजा कर रहे थे। तो इनका कहना था बिरसा मुंडा का कि बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा करने के स्थान पर आप केवल एक सिंहभोंगा, सिंहभोंगा किसको बोलते हैं? सूर्य भगवान के समान एक देवता होते हैं, उनका आप पूजा कीजिए, ठीक है। यानी कि धार्मिक उद्देश्य बोला जाए तो पहला क्या हो गया कि ईसाई मुंडाओं को वापस अपने धर्म में लाना, और दूसरा क्या है कि बहुत सारे भगवान के जगह में जो है सिंहभोंगा का पूजा करना, ठीक है। केवल एकमात्र भगवान होना चाहिए, वो भी कौन होना चाहिए? सिंहभोंगा भगवान होना चाहिए, इन्हीं की आराधना किया जाना चाहिए। और आर्थिक किस तरह से, या आर्थिक बिरसा आंदोलन का आर्थिक उद्देश्य क्या था इसका? तो मुंडाओं की जमीन पर जो है पुनः अधिग्रहण करना, कि अंग्रेजी सरकार लोग जो है, अंग्रेज लोग जो है मुंडाओं की जमीन हड़प लिए थे, तो और बहुत सारे जमींदार भी ऐसा किया करते थे, तो जो भी मुंडा का जमीन था तो उनका पुनः अधिग्रहण करना, जमीन अधिग्रहण, ठीक है, अधिग्रहण, ये जो है इसका मेन आर्थिक कारण हुआ करता था, ठीक है। तो इस तरह से ये है। अब देखिए ये तो समझ गया कि खूंटी इसका मुख्य केंद्र है, डोंबारी पहाड़ी है, और जब ये आंदोलन चल रहा था, ठीक है, जब आंदोलन ये चल रहा था तो उस समय जो है विद्रोह के समय जो है रांची का उपायुक्त कौन था? ये भी कभी कभी आता है कि जब बिरसा आंदोलन जब चल रहा था तो रांची का उपायुक्त उस समय कौन था? तो ये कौन था? स्टेट फील्ड, ठीक है, स्टेट फील्ड जो है ये रांची का उपायुक्त था बिरसा आंदोलन के समय में। अब देखिए आंदोलन से कुछ रिलेटेड है, यहाँ पर सेनापति कौन था? सेनापति जो था इस आंदोलन में ये गया मुंडा था। गया मुंडा जो है कुल्हाड़ी से वार करने में काफी जो है इनको बहुत सटीक इनका जो है निशाना लगता था, ठीक है। इसकी पत्नी, इसमें जो पत्नी भी शामिल थी, मानकी मुंडा, गया मुंडा की पत्नी, ठीक है, मानकी मुंडा था। फिर इससे जो
राजनीतिक शाखा प्रमुख कौन थे? राजनीतिक शाखा प्रमुख दोंका मुंडा थे, ठीक है, दोंका मुंडा जो थे राजनीतिक शाखा प्रमुख थे। इसके अलावा जो सोमा मुंडा थे, इन्होंने धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रभार लिया हुआ था, ठीक है। ये तो सोमा मुंडा जो है धार्मिक और सामाजिक से रिलेटेड थी, ठीक है, और दोंगा मुंडा जो है ये राजनीतिक शाखा प्रमुख हुआ करते थे, ठीक है। और सेनापति कौन थे? ग्या मुंडा था, ठीक है। इनमें जो एक इनका प्रमुख गीत था कटोंग बाबा कटोंग, बिरसा मुंडा आंदोलन का प्रमुख गीत अगर बोला जाएगा तो क्या था? कटोंग बाबा कटोंग। और अगर नारा पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? अबुआ राज एटे जना महारानी राज टुडू, या अबुआ राज एटे जना महारानी राज टुडू, मतलब जो है अब मुंडा राज प्रारंभ हो गया है तथा महारानी का राज जो है समाप्त हो गया है। ये सभी पहले सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए एक इम्पोर्टेंट इसमें क्या है फैक्ट कि इससे जो है बिरसा आंदोलन के सपोर्ट में एक समाचार पत्र हुआ करता था, ठीक है, समाचार पत्र हुआ करता था। इनका नाम क्या था? इस समाचार पत्र का नाम था बंगाली। ये इम्पोर्टेंट है कि बिरसा मुंडा आंदोलन का जो समाचार पत्र हुआ करता था इसके फेवर में उसका नाम क्या था? बंगाली। और ये जो है किसका प्रेस कौन निकालते थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा जो है इसको निकाला जाता था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इसके क्या थे? नाथ बनर्जी, ठीक है, संपादित किया करते थे। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। अब देखिए इसमें जिला का याद रखते हैं, ये 1855 में दुमका जिला बना था। चतरा की बात करेंगे तो चतरा कब बना था? ये 1991, ठीक है, चतरा जो बना था ये 1991 में बना था और ये छोटा नागपुर में आता है, ठीक है। चतरा 1991 में बना था और ये नॉर्थ छोटा नागपुर में आता है। लातेहार कब बना था? लातेहार जो है 4 अप्रैल 2001 में बना था। जब लातेहार का याद है तो आपको सिमडेगा का भी याद रखना चाहिए। सिमडेगा का 30 अप्रैल 2001 हो जाएगा। खूंटी जो है 12 सितंबर 2001 हो जाएगा खूंटी, ठीक है। खूंटी का कब हो जाएगा? 12 सितंबर 2001। आपको कमेंट करके बताना है कि किस जिला का जो है निर्माण 12 सितंबर 2001 में ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इन सभी का जो ओवरऑल जो करेक्ट आंसर है इसका क्या है? झारखंड में बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? खूंटी था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि राज्य में जल संरक्षण के लिए डोभा निर्माण कार्य किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये कब? 2016 में किया गया था। और किस राज्य सरकार के समय किया गया था? ये रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय जो है डोभा निर्माण कार्य जो है शुरू किया गया। ये 2016 से 17 की बात है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 2016 हो जाएगा। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिले में है? तो पारसनाथ पहाड़ी जो है कहाँ पर है? गिरिडीह जिला में पड़ता है। और ये जो है निचला, ठीक है, ये कहाँ है? निचला हजारीबाग पठार पड़ता है। निचला हजारीबाग पठार, हजारीबाग पठार को दो भाग में, निचला तथा ऊपरी, और ये जो है निचला हजारीबाग पठार में पड़ता है। एक कोडरमा भी है जो कि निचला हजारीबाग पठार का ही हिस्सा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए पारसनाथ पहाड़ी एक श्रृंखला है, पारसनाथ पहाड़ी ये क्या है? एक श्रृंखला है, बहुत सारे इसमें पहाड़ है, ठीक है, श्रृंखला है। और इसमें जो सबसे ऊंचा पहाड़ है इसको क्या बोलते हैं? सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर, या कभी कभी इसको पारसनाथ पहाड़ी भी बोल दिया जाता है, ठीक है।
इसकी अगर हाइट की बात करेंगे तो ये कितना है 1365 मीटर, अगर मीटर में लेंगे तो 1365 मीटर, और अगर फिट में लेंगे तो 4478 फिट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो पारसनाथ पहाड़ी है, जो वो एरिया है, उसको जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। ये जो है जैन धर्म का जो है मक्का कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जैन धर्म के लगभग यहाँ पर क्या है कि पूरे जितने भी तीर्थंकर हुए जैन धर्म के, कितने टोटल जो है 24 अभी तक जो है तीर्थंकर हुए हैं, और 24 तीर्थंकर में से जो है 20 ने जो है यहीं पर निर्वाण की प्राप्ति की है, ठीक है। 20 out of 24 जो है निर्वाण प्राप्ति यहीं पर किया है, निर्वाण प्राप्ति, ठीक है। अब देखिए इसका जो नामकरण हुआ है, जो इनका जो पारसनाथ पहाड़ी जो है किनके नाम पर पड़ा है, ये 23वें तीर्थंकर थे। इनका नाम क्या है? पार्श्वनाथ। इन्हीं के नाम पर जो है ये 23rd तीर्थंकर थे, और इन्हीं के जो नाम पर है ये पारसनाथ पड़ा है। और ये कब की बात है? ये 717 ईसा पूर्व है, ठीक है। ये 717 ईसा पूर्व की बात हो रही है। यहाँ पर जो 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ, इन्हीं के नाम पर जो है पारसनाथ पहाड़ी का नाम पड़ा है, ठीक है। अगर पहले, सबसे पहले मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पर किसने किया था, तो ये अजीतनाथ थे, ये भी जो है तीर्थंकर थे, ठीक है। ये कौन थे, ठीक है। यहाँ पर एक जगह है मदुरम, ये इम्पोर्टेंट है। मदुरम जो है, जो पहाड़ी का निचला वाला हिस्सा होता है, जहाँ पर बहुत सारे जो है जैनियों के, जैन धर्म के रहने के कुटिया वगैरह, होटल्स वगैरह बहुत सारे वहाँ पर है, तो उसको नीचे वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मदुरम बोला जाता है, ठीक है। मदुरम जगह का नाम है। अब देखिए अगर गिरिडीह की बात करेंगे तो गिरिडीह जो है, गिरिडीह जो है ये कब 1772 हो गया। गिरिडीह कब हो गया, इसका निर्माण कब होता है जिला के रूप में, तो 1772। जो गिरिडीह बनता है जिला के रूप में, ये कब हो गया? सबसे पहले गिरिडीह जो आता है नॉर्थ छोटा नागपुर में आता है, ठीक है। नॉर्थ छोटा नागपुर परमंडल का हिस्सा है, और इसका जो निर्माण होता है ये कब होता है, ये 1972 को होता है, ठीक है। जिला जो बनता है इसमें, ये 1972 को बनता है, और ठीक है लातेहार की बात करते हैं, तो लातेहार कब होगा? लातेहार जो है ये 4 अप्रैल 2001 को जो है इसका निर्माण होता है, और कोडरमा का जस्ट इसमें क्या करेंगे, 30 कर देंगे, 30 अप्रैल जो है 2001 में इसका निर्माण होता है। दुमका का 1855 होता है। अच्छा, कोडरमा में एक जलप्रपात है, उसका नाम क्या है? पेट्रो जलप्रपात। ये कहाँ है? कोडरमा में है। इसके अलावा कोडरमा में जो है तिलैया बांध भी है, तिलैया बांध है, ठीक है। देखिए लातेहार में क्या है, भारत का एकमात्र भेड़िया अभयारण्य है, ठीक है। भेड़िया अभयारण्य, उसके जगह का नाम क्या है लातेहार में पड़ता है? महुआ टाण जो है ये भारत का एकमात्र जो है भेड़िया अभयारण्य है, जो कि लातेहार में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि दलमा गज अभयारण्य झारखंड के किस जिले में पड़ता है? दलमा गज अभयारण्य, यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या है, दलमा गज अभयारण्य झारखंड के किस जिले में अवस्थित है, तो ये कौन सा जिले में है? पूर्वी सिंहभूम में होता है, और ये जो जमशेदपुर है उसके नज़दीक है, ठीक है। और ये जो पहाड़ी है, दलमा गज पहाड़ है, पहाड़ी ये भी पहाड़ के घिरा हुआ है, और ये नेशनल हाईवे 33 के बगल में पड़ता है,
ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये बना कब था, ये जो दलमा गज अभयारण्य है ये 1970 जो है 55 में बना था, 1975 में। और इसका जो एरिया है, एरिया कितना है, एरिया है 200, इसका एरिया कितना है 193.22 किलोमीटर, 193.22 किलोमीटर स्क्वायर जो है में फैला हुआ है दालमा गज अभयारण्य। ठीक, अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर जो है हाथी परियोजना स्टार्ट होता है 1992 में। ठीक है, हाथी परियोजना यानी कि जो एलिफेंट रिजर्व है, हाथी परियोजना, ठीक है, हाथी परियोजना जो है स्टार्ट कब से होता है, 1992 से होता है। और कहाँ से शुरू होता है, ये यहीं से जो दलमा, ठीक है, गज अभयारण्य से हाथी परियोजना जो है स्टार्ट होता है। ठीक है, 1992 से जो है हाथी परियोजना स्टार्ट होता है। और ये सीन कहाँ था, इस सिंहभूम में था। ठीक, अब देखिए होता क्या है कि बाद में इस क्षेत्र को और बढ़ा दिया गया हाथी के रिजर्व के लिए। ठीक है, हाथी के रिजर्व के लिए जो है इसको और क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। और इसमें जो है इस सिंहभूम तो आया ही था, ठीक है, इस सिंहभूम हो गया, इसके अलावा जो है वेस्ट सिंहभूम हो गया, फिर क्या हो गया, सरायकेला खरसावां के एरिया को मिला दिया गया और एक बड़ा सा जो है हाथी के लिए रिजर्वेशन एरिया बना दिया गया। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है ये कब की गई थी, स्थापना जो है देश का पहला ये जो है गज अभयारण्य बन गया, दालमा गज अभयारण्य, 26 सितंबर 2001 को, 26 सितंबर जो है 2001 को जो है देश का पहला जो है प्रथम गज अभयारण्य बन गया इसका। यानी कि टोटल विस्तार अगर बोलेंगे तो ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में है, और तीनों को मिला के इसका एरिया लगभग कितना पड़ता है, 13,440, 13,440 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका जो है पड़ता है, किसकी बात हो रही है, दालमा, ठीक है, दालमा गज अभयारण्य का, दालमा गज अभयारण्य। ठीक है, ये इसलिए पहले जो था ये अभयारण्य था, लेकिन इसको इसको और बढ़ा के जो है गज अभयारण्य बना दिया गया, मतलब रिजर्व बना दिया गया। ठीक है, और ये जो था ये दालमा वन्य जीव अभयारण्य था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देश का पहला गज अभयारण्य कहाँ है, ये कहाँ है, यहीं पर है। ठीक है, तो शुरू में जो है ये सिर्फ वन्य जीव अभयारण्य था जिसको 1975 में जो है इसका विकास किया गया था और सिर्फ 193.22 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। बाद में जब से 1992 में हाथी परियोजना स्टार्ट होता है तो उसके तहत जो है इसको अपग्रेड कर दिया जाता है इस वन्य जीव अभयारण्य को, और दालमा गज जो है रिजर्व के तौर पर जो है इसको क्या कर दिया जाता है, अपग्रेड कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर एरिया को बढ़ाकर इसमें जो है हाथियों के लिए एक निश्चित क्षेत्र का जो है विकास किया जाता है। ठीक है, अभयारण्य से अच्छा इसमें गज जो है रिजर्व,
ठीक है, रिजर्व एरिया कौन सा है, यही है, ठीक है। तो ये हो गया, नेक्स्ट देखते हैं कुडुक जो है किस भाषा परिवार की भाषा है, किस भाषा परिवार की भाषा है कुडुक। तो ये कुडुक जो है ये द्रविड़ भाषा परिवार की जो है भाषा है। तो देखिए अगर झारखंड में तीन टाइप का भाषा परिवार पाया जाता है, झारखंड में जो है तीन भाषा परिवार जो है प्रचलित है। पहला क्या हो गया, पहला हो गया इंडो आर्यन, इंडो आर्यन, इंडो आर्यन हो गया। इसमें जो है भारोपीय भाषा परिवार होता है, या भाषा भारोपीय मतलब भारत या यूरोप की भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार हो गया। इसमें जो है कौन कौन सा भाषा आ गया, एक तो हिंदी आ गई, ठीक है, इसमें हिंदी आ गया, या खोटा आ गया, पंच परगनिया हो गया, कुरमाली हो गया और नागपुरी हो गया, ठीक है, खोटा कुरमाली नागपुरी पंच परगनिया, ये चार भाषा है, खोटा पंच परगनिया हो गया, कुरमाली हो गया, नागपुरी हो गया, ये सदानों की भाषा है, ठीक है, ये सदानी भाषा, ये सभी जो है इंडो आर्यन में आता है। इसके अलावा जो है हिंदी भी इंडो आर्यन में आता है। दूसरा जो हो गया ये क्या हो गया, ये हो गया कुडुक यानी द्रविड़ियन, ठीक है, ये क्या द्रविड़ भाषा परिवार या द्रविड़ियन भाषा परिवार परिवार हो गया। इसमें जो है क्या क्या आता है, इसमें अगर द्रविड़ियन भाषा परिवार में ले लेंगे तो एक तो कुडुक आ जाएगा, ठीक है, कुडुक आ गया, और कुडुक जो है ये उड़ाव की भाषा है। इसके अलावा इसमें जो है क्या आ गया, मालतो आ गया, मालतो, ठीक है, तो इसमें जो है शौर्य पहाड़िया आ गया और माल पहाड़िया आ गया। शौर्य पहाड़िया और माल पहाड़िया की जो भाषा होती है वो क्या कहलाती है, माल्टो कहलाती है। और शौर्य पहाड़िया का जो विशेष स्थान होता है वो राजमहल की पहाड़ी होती है, ठीक है, शौर्य पहाड़िया का जो विशेष स्थान होता है वो कहाँ है, राजमहल की पहाड़ी। एक्चुअली में ये जो है उराव जनजाति के लोग थे, ठीक है, और चूंकि ये पहाड़ पे रहने लगे, ऊंचाई वाले क्षेत्र में राजमहल में रहने लगे, इसलिए इनको जो है शौर्य पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और ये तो हो गया दो, तीसरा जो हो गया ये ऑस्ट्रिक हो गया, इसको ऑस्ट्रिक भाषा परिवार भी बोलते हैं, ऑस्ट्रिक या फिर हम क्या कह सकते हैं, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार कह सकते हैं या ऑस्ट्रो एशियाटिक कह सकते हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक, ठीक है, दोनों में से कोई, एशियाटिक, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार या ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, ये तीसरा इसका चरण है। तो इसमें जो है इसमें मुंडा आ जाता है, सबसे ज़्यादा जो भाषाएं आती है ऑस्ट्रिक या ऑस्ट्रो एशियाटिक में आता है, मुंडा हो गया, फिर संथाली भाषा परिवार हो गया, ठीक है, संथाली आ गया, मुंडारी आ गया, उसके बाद खड़िया हो गया, खड़िया हो गया, फिर क्या हो गया, हो गया, ये सभी जो है इसमें आते हैं। और सबसे अधिक जो आता है ये ऑस्ट्रो एशियाटिक में आता है, इसलिए इसको जो है एक ऑल्सो नोन एज, मतलब और भी दूसरे नाम से, मुंडारी भाषा परिवार, मुंडारी भाषा परिवार, इसको जो है मुंडारी भाषा परिवार के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से कब मुक्त किया गया था, तो देखिए बिरसा मुंडा जो है दो बार जेल जाते हैं, बिरसा मुंडा जो है दो बार जेल जाते हैं, ठीक है, दो बार इनको जेल जाना पड़ता है। पहला बार जो ये जेल जाते हैं, फर्स्ट टाइम जो है, फर्स्ट टाइम की बात करेंगे, तो कब से कब तक जाते हैं, 24 अगस्त यानी कि 24/8/1895 से स्टार्ट होता है टू 30/8
1897, यानी कि लगभग जो है 2 ईयर्स, ठीक है, लगभग लगभग जो है ये कितने 2 वर्षों तक, फर्स्ट टाइम जब ये पकड़े जाते हैं तो जेल में रहते हैं, और इनकी जो गिरफ्तारी होती है ये मेयर्स द्वारा जो है गिरफ्तारी, ठीक है, मेयर्स द्वारा इनकी गिरफ्तारी होती है, ठीक है, 2 साल तक जेल रहते हैं, लेकिन जो है इनको 30 नवंबर, यहाँ देखिए ये जो होता है नवंबर का ही होता है, ठीक है, 30 नवंबर तक ये जेल में रहते हैं, नवंबर यानी कि 30 नवंबर 1897 को जो है 97 को क्या होता है कि महारानी विक्टोरिया का हीरक जयंती होता है, यानी कि गोल्डन जुबली होता है, महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती पर, हीरक जयंती होता है इनको, रिया इनको रिहा कर दिया जाता है, रिहा, ठीक है, इनको रिहा कर दिया जाता है, जब दूसरी बार सेकेंड टाइम जो ये सेकेंड टाइम ये कब पकड़े जाते हैं, ये 3 मार्च, ठीक है, 3 मार्च 1900 को पकड़े जाते हैं, और जो है इनका 9 जून 1900 में जो है इनकी हैजा से मृत्यु हो जाती है, पकड़े जाते हैं 3 मार्च 1900 को, और 9 जून जो है 1900 तक ये रहते हैं जेल में, और यहीं पर जो है ऐसा बोला जाता है कि इनकी जो हैजा से मृत्यु हो जाती है जेल के अंदर ही 9 जून को, ठीक है, और इनको जो पकड़ने का श्रेय जाता है, चूंकि एक यहाँ पर ये तभी डोंबारी पहाड़ी पे एक आंदोलन कर रहे थे, और उसी आंदोलन में जो है क्या होता है कि दो अंग्रेज अधिकारी होते हैं, फॉर्बिस और स्ट्रीटफील्ड, इन लोगों को पकड़ने का, जितने भी आंदोलनकारी होते हैं इन लोगों का पकड़ने का अभियान चलाते हैं, लेकिन बिरसा मुंडा जो है किसी तरह वहां से बचकर भाग निकलते हैं। बाद में क्या होता है कि इनको जो है इनको पकड़ने के लिए जो है 500 रुपये का इनाम रखा जाता है, ठीक है, 500 रुपये का जो है इनाम रखा जाता है, इसी इनाम को पाने के लिए जो है एक व्यक्ति होते हैं, उनका नाम है वीर सिंह महाली, वीर सिंह महाली, और ये जो वीर सिंह महाली होता है ये बंद गांव के जमींदार होते हैं, जगमोहन उनका जो है सागिर्द होता है, यानी उनका एक व्यक्ति होता है वीर सिंह माली, उसी के जो है बताए पर जो है अंग्रेजों ने इनको कहाँ से पकड़ लेते हैं, 3 मार्च 1900 को जो है गिरफ्तारी होती है इनकी, कहाँ से, चक्रधरपुर के जामकोई जंगल से, चक्रधरपुर के जमको पाई जंगल, जमको पाई जंगल कहाँ पर है, चक्रधरपुर में, यहीं से इनकी गिरफ्तारी होती है, और सोते समय जब ये सो रहे थे, जब वहाँ पर जो प्रशासन आता है तो किस दिन, 3 मार्च 1900 को, 3 मार्च 1900 की बात है, उस दिन इनको जो है गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है, और रांची जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनको गिरफ्तार करके रांची जेल लाया जाता है, मुकदमा चलाया जाता है, और इनको जो है रांची जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है, कहाँ, किस जेल में, रांची जेल में, ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो पहली बार कब पकड़ा जाता है, पहली बार 1800 जो है 95 को पकड़ा जाता है, 1895 नहीं है, 1894 लगा देते हैं, ठीक है, वो मुक्त किया गया ना, इनको कब मुक्त किया जाता है,
तो ये 1897 को मुक्त किया जाता है। तो 1897 को जो है 30 नवंबर 1897 को महारानी विक्टोरिया की जो गोल्डन जुबली होती है उसी दिन इनको रिहा कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि 1929 में झरिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन कौन अध्यक्ष चुने गए थे? देखिए भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये भारत का सबसे पुराना जो है ट्रेड यूनियन है, और ये किससे संबंधित है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है, ये जो है सबसे पुराना है, और ये किससे? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जो है रिलेटेड है। ठीक है, ये जो है यूनियन किससे संबंधित है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पार्टी से संबंधित है। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जो है संबंधित है। इसके जो पहले अध्यक्ष थे ये कौन थे? लाला लाजपत राय जो है इनके पहले अध्यक्ष थे, लाला लाजपत राय, ये भी इम्पोर्टेंट है। लाला लाजपत राय जो है इसके सबसे पहले जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पहला लाला लाजपत राय, और एक इम्पोर्टेंट कि इसका जो स्थापना हुआ था इस यूनियन का कब हुआ था? ये 1920 को हुआ था, 1920 को जो है इस यूनियन का निर्माण हुआ था। ठीक है, अब इसका जो है अधिवेशन होता है कब? 1929 में, या कहीं कहीं 1928 भी लिखा जाता है। ठीक है, तो 1929 में यहाँ दिया गया है, ये मान के चलते हैं 1929 में जो है इसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? जवाहरलाल नेहरू जो है इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, और ये कहाँ पर होता है? झरिया में होता है। झरिया कहाँ पर पड़ता है? धनबाद में। ठीक है, जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने एसएन हलदार एवं ब्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना कब की है? तो जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना कब किया जाता है? ये 1920 में जो है इसका स्थापना किया जाता है, 1920 में। किसके द्वारा? एसएन हलदर एवं ब्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जो है इसकी स्थापना की जाती है। अब देखिए फिर यहाँ पर एक ईयर है 1928, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो टाटा वर्कर्स होते हैं या टाटा आयरन एंड स्टील जिसको बोलते हैं टिस्को, ठीक है, जिसको बोलते हैं टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया था? हड़ताल हो गया था। ये कहाँ? जमशेदपुर में पड़ता है, इसमें हड़ताल हो गया था, इसके वर्करों ने क्या कर दिया था? हड़ताल कर दिया था। ठीक है, अब इस हड़ताल को तोड़ने के लिए जो है ये क्या होते हैं? सुभाष चंद्र बोस को बुलाया जाता है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को बुलाया जाता है, और सुभाष चंद्र बोस की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसके मजदूरों को हड़ताल से रोकने के लिए। ठीक है, तो 1920 को जो है सुभाष चंद्र बोस आते हैं जमशेदपुर, टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स को जो है हड़ताल इनका तोड़ते हैं। ठीक है, और ये कब जो है उसी समय जो इसको 9 वर्षों के लिए जो है 9 वर्षों के लिए अध्यक्ष बना दिया जाता है, अध्यक्ष बना दिया गया किसका? जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन का। ठीक है, जमशेदपुर या टाटा लेबर एसोसिएशन।
लेबर एसोसिएशन का जो है अध्यक्ष बना दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस को। और ये कब आते हैं, 20 अगस्त को जो है 1928, 20 अगस्त 1928 को जो है इनको 9 वर्ष के लिए जो है अध्यक्ष बना दिया गया। और ये जमशेदपुर अगर पूछेंगे तो इसके संबंध में कब आते हैं, इससे ठीक 2 दिन पहले 18 अगस्त 1928 को ये जमशेदपुर पहुंचते हैं। और फिर वहाँ पर टाटा स्टील एंड आयरन वर्क्स के मजदूरों का हड़ताल को तोड़ते हैं, ठीक है। और फिर उसी समय जो है 20 अगस्त 1928 को ही इनको जो है टाटा वर्कर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष बना दिया जाता है। और ये पूरे 9 वर्षों के लिए जो है इसके अध्यक्ष बने रहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें और एक डेट है 1938, 10 साल के बाद 1938 में टाटा वर्कर्स यूनियन होता है। 1938 में टाटा वर्कर्स यूनियन, तो इसके जो बनाया जाता है ये यूनियन 1938 में बनाया जाता है, किसके द्वारा, अब्दुल बारी सिद्दीकी के द्वारा, अब्दुल बारी सिद्दीकी के द्वारा जो है बनाया जाता है, ठीक है। टाटा वर्कर्स यूनियन जो है 1938 में बनता है और अब्दुल बारी सिद्दीकी के नेतृत्व में बनाया जाता है। तो ये सभी जो है पॉइंट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में केंद्रा किस तरह का वाद्य यंत्र है। देखिए वाद्य यंत्र जो होता है हमारे झारखंड में 3 टाइप के प्रचलित हैं वाद्य यंत्र। पहला तो हो गया तंतु वाद्य। तंतु वाद्य जो होता है ये तारों में कंपन से बनाया जाता है, ठीक है। तारों में कंपन के थ्रू जो है बजाया जाता है। 2 नंबर क्या होता है, सुसीर होता है जिसको फूंक के बजाया जाता है, सुसीर वाद होता है। और इसको जो है फूंक कर, ठीक है, यानी हवा के वाइब्रेशन करके बजाया जाता है। उसके बाद जो होता है ये होता है ताल वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र जिसको जो है ठोक कर बजाया जाता है, ठोक कर। तो ये भी जो है 2 टाइप का होता है। पहला हो गया अवनद, यानी कि अवनद जो क्या होता है, ढांचे पर चमड़ा मरकर जो है किया जाता है, ठीक है, चमड़ा का उपयोग, चमड़ा मरकर जो है इसको जो सरफेस होता है उसमें चमड़ा मर दिया जाता है खोखले में, और उसमें जो है ऊपर से प्रेशर देके तब जो है आवाज आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अवनूद बोलते हैं। और इसका और एक होता है कि कांसा का उपयोग इसमें किया जाता है, कांसा का भी उपयोग किया जाता है बजाने के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको घन वाद्य बोलते हैं, घन वाद्य, ठीक है, वन वाद्य बोलते हैं। तो ये हो गया। तो जो केंद्रा होता है ये किस में आता है, केंद्रा जो आता है ये तंतु वाले में आता है, केंद्रा जो आता है ये तंतु वाले में आता है। तो केंद्रा में क्या होता है कि जैसे ये है और इस तरह से बांस, सूखी बांस की लकड़ी होती है, यहाँ पर जो है वायर इस तरह करके किया जाता है, इसी को वाइब्रेट करके बनाया जाता है। और ये जो है ये केंद्रा का ही फोटो है एक टाइप से। तो इसमें जो इस जगह में जो है इसमें क्या किया जाता है, या तो नारियल का खोल यूज करेंगे, नारियल का खोल, या फिर यहां पर क्या सूखा कद्दू, सूखा जो है इसमें कद्दू का यूज किया जाता है, यानी कि लौकी का, सूखा लौकी का यूज किया जाता है। या फिर अगर इसमें नहीं होगा तो इसमें कछुए का छाल भी लिया जाता है, कछुए का खोल या छाल, कछुए का जो खोल है ये यूज़ किया जाता है। ये जो है यहाँ पर सूखा बांस लिया जाता है,
ठीक है, और इसको वाइब्रेट करके जो है बजाया जाता है। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है इसमें क्या है कि केंद्रा को जो है, केंद्रा या केंद्री दोनों में से, इसको झारखंड का वायलिन कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि झारखंड के किस वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन कहा जाता है, तो झारखंड का वायलिन कहलाता है केंद्रा, झारखंड का वायलिन। क्या कहलाता है, केंद्रा। और ये जो है संथालों का जो है मुख्य वाद्य यंत्र है, संथालों का मुख्य वाद्य यंत्र, यानी कि ये जो है संथालों में काफी प्रचलित है, ठीक है, ये भी है। संथालों का जो है मुख्य वाद्य यंत्र है, ठीक है, मुख्य वाद्य यंत्र होता है। इसके अलावा जो है इसमें एक तारा हो गया, भुआंग हो गया, सारंगी हो गया, ये सभी एग्जाम्पल जो है किसके हैं, तंतु का है, ठीक है। देखिए इसमें जो है इम्पोर्टेंट याद भी रखिए कि इसमें क्या आता है, जैसे एक तारा हो गया, एक तारा हो गया, ठीक है, फिर क्या हो गया, भुआंग हो गया, जिसमें तारों का यूज है, वाइब्रेट करके तार को बजाया जाए उसको तंतु वाद्य यंत्र बोलते हैं, भुआंग हो गया। इसके अलावा इसमें क्या हो गया, सारंगी हो गया, सारंगी हो गया, केंद्रा हो गया, तो इसमें आएगा केंद्रा या केंद्री भी बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या हो गया, ये अगर सुधीर दे फूक कर, यानी कि इसमें बांसुरी हो गया, बांसुरी फूक। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है सिंगा, सिंगा भी पूछा जाता है कि सिंगा को किस टाइप का है, तो ये सुशीर है, सिंगा को फूक कर बजाया जाता है। फिर मुरली हो गया, इसके अलावा जो हो गया सहनाई हो गया, सहनाई हो गया, ठीक है, और क्या हो जाएगा, मदन भेरी, मदन भेरी भी जो है, ये भी जो है सुशीर वाद्य यंत्र है, जो घन है, घन के लिए क्या है, ये है करताल है, घंटा है, खाला है, कांसा का करताल हो गया, खाला हो गया, घंटा हो गया, जो स्कूल में जो घंटी होती है उसको घंटा बोलते हैं, वो घन वाद्य यंत्र का जो एग्जाम्पल है। जो औनद है उसको क्या बोलते हैं, जैसे हो गया औनद में मांदर हो गया, ठीक है, मांदर हो गया, इसके बाद नगाड़ा हो गया, नगाड़ा हो गया, ये सभी एग्जाम्पल क्या चीज के हैं, औनद के हैं, ठीक है। बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड प्रस्ताव कब पारित किया गया, ये किया जाता है 22 जुलाई 1997 को, इसमें तो कुछ भी एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो विधानसभा द्वारा जो है झारखंड प्रस्ताव कब पारित हुआ था, 22 जुलाई 1997 को। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी, देखिए रामगढ़ में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ था, रामगढ़ में इसकी स्थापना किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो मेन आदमी थे ये कौन थे, एम एन रॉय थे, एम एन रॉय थे, एम एन रॉय, एम एन रॉय मतलब मानवेंद्र नाथ रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, ये जो है इसके संस्थापक थे, ठीक है, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के। अब देखिए हजारीबाग, अगर इसकी स्थापना हम बहुत बोलेंगे कि ये जिला कब बनाया गया है रामगढ़, तो जिस दिन जो है खूंटी का निर्माण हुआ है, सेम 12 सितंबर 2007 को जो है रामगढ़ का भी निर्माण होता है, ठीक है। रांची कब हुआ, 1855 को, और 18 को जो है ये 1834 को, थिंक 1834 को जो है किसका निर्माण होता है, 1834 को ये होता है
हजारीबाग का निर्माण किया जाता है? ठीक है, हजारीबाग का और दूसरा कौन सा नाम आप कमेंट कीजिए। ठीक है, तो 1834 में जो है हजारीबाग का निर्माण किया जाता है, 1855 में दुमका का निर्माण, सॉरी ये 1899 होगा, रांची का जो निर्माण किया जाता है ये 1899 में किया जाता है, रांची का निर्माण 1899 में, 1855 में जो है दुमका का निर्माण किया जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ पर हुई थी? इसकी भी स्थापना जो है रामगढ़ में हुआ था, और किसके द्वारा हुआ था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है इसका संस्थापना किया गया, संस्थापक सुभाष चंद्र बोस के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के दौरान, तो कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन कब होता है? 1940 में होता है। किसकी अध्यक्षता में जो है अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया जाता है? तो किसकी अध्यक्षता में? सुभाष चंद्र बोस। ये देखिए, अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन जो है ये कांग्रेस का नीतियों के विरोध में था। ठीक है, चूंकि उनको लग रहा था कि कांग्रेस जो है वो सही टाइप से काम नहीं कर रहे हैं, वो जो होना चाहिए वो एक सही बात जो है प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे उस अधिवेशन में, तो इसके खिलाफ जो है रामगढ़ में ही जो है अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित होता है। ठीक है, और किसके नेतृत्व में होता है? सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में होता है, और इसमें जो प्रस्ताव है वो पारित किया जाता है किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन में जो प्रस्ताव एक पारित किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है, ये इम्पोर्टेंट है, प्रस्ताव जो है पारित होता है स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, और इसका जो अनुमोदन है यानी कि जो सपोर्ट है, अनुमोदन मतलब जो सपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सरदार शार्दुल सिंह, ठीक है, सरदार शार्दुल सिंह के द्वारा जो है ये अनुमोदन इसका किया जाता है। चूंकि देखिए, ये जो अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन है इसका मेन मोटो क्या था? जो अंग्रेज जो कांग्रेस थे उनकी नीतियों का कड़ी आलोचना तथा पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हेतु जनता का अधिकार की प्रमुखता प्राप्त करना, ये जो इसका मेन था सम्मेलन आयोजन करने का मोटो। झारखंड में लगने वाला दुमका जिला का प्रसिद्ध मेला जो है हिजला मेला, ये किस नदी के जो है तट पर आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है मयूराक्षी नदी के तट पर किया गया था, किया जाता है, और ये जो है त्रिकूट पर्वत से निकलता है। मयूराक्षी नदी जो है ये त्रिकूट पर्वत है, कहाँ पर? देवघर में। ठीक है, यहाँ पर जो है श्री राम भगवान के पद चिन्ह भी है। ठीक, अब देखिए इसका मुहाना तो हो गया कहाँ पर? त्रिकूट पर्वत जो ओरिजिन हो गया ये त्रिकूट पर्वत हो गया, और मुहाना जो होता है इसका कौन सा होता है, कहाँ पर जाकर मिलता है? ये हो गया हुगली नदी, हुगली नदी ये कहाँ पर मिलती है? हुगली नदी में, और कहाँ पर? कोलकाता में, कोलकाता में जो है जाकर मिल जाता है।
ये कहाँ से? एक तो देवघर हो गया, फिर इसके अलावा दुमका हो गया, ये हो गया झारखंड का, और फिर होता है वेस्ट बंगाल। ये दो राज्यों से होकर गुजरता है और झारखंड में देवघर तक दुमका से गुजरता है। ठीक, अब मेला की बात करेंगे तो इसमें जो मेला लगता है इसका नाम क्या है? हिजला मेला है। इसको जो है स्टार्ट किया गया था 1890 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, हिजला मेला जो है जो स्टार्ट हुआ था ये कब से हुआ था? 1890 से हुआ था, और किसके जो है सहयोग से हुआ था? तो ये जॉन रॉबर्ट कास्टेयर्स के सहयोग से, जॉन रॉबर्ट कास्टेयर्स के सहयोग से हुआ था। वो जो है संथाल परगना के तत्कालीन उपायुक्त थे। संथाल परगना के जो है तत्कालीन उपायुक्त हुआ करते थे जॉन रॉबर्ट कास्टियर्स। उन्हीं के सहयोग से जो है हिजला मेला जो है आरंभ किया गया था। फिर जो होता है कि 1975 में जो है इसके आगे जनजातीय ऐड किया जाता है, तो क्या बन गया? जनजातीय हिजला मेला। फिर 2008 में क्या होता है कि झारखंड सरकार के द्वारा जो है इसको महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला लिया जाता है। ठीक है, महोत्सव के रूप में हिजला मेला को जो है किस ईयर जो है फैसला लिया जाता है महोत्सव के रूप में मनाने के लिए? तो 2008 में। बाद में 2015 ईस्वी में इसको क्या किया जाता है कि राजकीय मेला का सम्मान मिल जाता है। राजकीय मेला कब? 2015 में। तो अब इसका नाम क्या हो जाता है? जनजातीय हिजला मेला महोत्सव। जनजातीय हिजला मेला महोत्सव के नाम से जाना जाता है, जनजातीय हिजला मेला महोत्सव, मेला महोत्सव। ये नाम से ये जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मयूराक्षी? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी जो है टोरी लातेहार से निकलती है, और ये झारखंड का जो है सबसे प्रदूषित नदी बोलेंगे। तो क्या है? दामोदर है। सबसे जो लंबी नदी है ये भी दामोदर नदी है, और सबसे ज़्यादा जो कोयला झारखंड में पाया जाता है ये दामोदर नदी घाटी बेसिन में ही जो है पाया जाता है। स्वर्ण रेखा नदी, तो स्वर्ण रेखा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? ये नगड़ी से निकलती है, नगड़ी रांची से, नगड़ी रांची से निकलता है। और झारखंड की एकमात्र ये ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका अगर बहाव क्षेत्र बोलेंगे स्वर्ण रेखा का तो कहाँ कहाँ होता है? एक तो ये रांची से निकला, रांची से निकलने के बाद सरायकेला खरसावां, और सरायकेला खरसावां के बाद जो है ये पूर्वी सिंहभूम में घुसता, और उसके बाद जो है ये कहाँ से हो चला जाता है? वेस्ट बंगाल और फिर उड़ीसा। वेस्ट बंगाल में कहाँ पर? झारग्राम। उड़ीसा में कहाँ पर? बालासोर। तो इन सभी से होकर गुजरकर ये डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य द्वार का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? तो रामगढ़ का में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ये कब हुआ था? ये 1940 ईस्वी में हुआ था। अधिवेशन जो है कब हुआ था? 1914 में हुआ था। और इसमें जो एक द्वार बनाया गया था, ये द्वार का नाम क्या था? बिरसा मुंडा द्वार था। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, जिसको क्या बोलते हैं? झारखंड एरिया, यानी कि झारखंड क्षेत्र स्वशासी मने ऑटोनॉमस, ठीक है, काउंसिल।
झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल यानी कि शॉर्ट फॉर्म में जैक, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन जो है ये किया गया था, ये कब किया गया था, 1995 को किया गया था, 1995 में किया गया था, 1995 में, ठीक है। तो बिहार विधानमंडल में जो है जैक विधेयक कब पारित किया गया, ये 20 दिसंबर 1994 में जो है इसको बिहार विधानमंडल में जो जैक विधेयक होता है पारित हुआ, ठीक है, पारित होता है जैक विधेयक कब, 20 दिसंबर 1994 को। और इसकी जो अधिसूचना है कब जारी होती है, अधिसूचना जारी किया जाता है 7 अगस्त 1995 को, 7 अगस्त 1995 को इस विधेयक का जो पारित होने का अधिसूचना जारी होता है। और इसका जो गठन है ये कब किया जाता है, गठन कब किया जाता है, 9 अगस्त 1995 को, 9 अगस्त 1995 को जो है इसका गठन किया जाता है और 18 जिलों को मिलाकर जो है गठन किया जाता है, 18 जिलों को मिलाकर और ये किसका होता है, बिहार का जिला होता है। और इसमें जो होता है 46% जो होता है बिहार का जिला होता है, 46% भूभाग, तभी तो झारखंड से पहले बिहार ही था, तो बिहार का जो है 46% भूभाग को मिलाकर जो है इसका निर्माण किया जाता है, झारखंड का निर्माण किया जाता है, ठीक है। झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का तब क्या हो जाएगा, 9 अगस्त 1995 को गठन हुआ था। झारखंड में लगने वाला दुमका का हिजला मेला ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम स्वर्ण रेखा के बारे में जान लेते हैं। स्वर्ण रेखा ये नदी है, ये जो है नगड़ी से निकलती है, नगड़ी रांची से निकलती है, इसमें जो है हुंडरू फॉल है, ठीक है। इसके बाद जो है मिदु फॉल भी यहीं पर है, मिदु फॉल इसी नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर मिदु फॉल है। उसके बाद जो है ये एकमात्र नदी है, इसमें जो है गेतल सूद डैम भी है, गेतल सूद डैम इसी नदी पर है। कहाँ पर है ये, चौमुखा गांव, बालासोर उड़ीसा में, ठीक है, बालासोर उड़ीसा में। ये जो है अंतिम है, चौमुखा गांव के बाद ही ये जो है बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, ठीक है। ये जो है कहाँ कहाँ से, रांची से निकलता है, रांची से निकलते में बाद सरायकेला खरसावां, फिर इस सिंहभूम से गुजरता है, ठीक है। उसके बाद जो है इस सिंहभूम के बाद कहाँ, ये वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के कहाँ पर, झारग्राम से गुजरती है। उसके बाद जो है ये उड़ीसा बालासोर, ये इसका जो है तीन राज्य से होकर गुजरता है, झारखंड वेस्ट बंगाल उड़ीसा, और जगह बोलेंगे झारखंड में रांची सरायकेला और सिंहभूम, ठीक है। झारखंड में ही तीन जिला है जहां से होकर गुजरता है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र झारखंड के किस स्थान पर स्थित है, अगर लाह निर्यातक केंद्र की बात की जाए, निर्यातक केंद्र, तो ये विश्व का सबसे बड़ा है और ये कहाँ है, टोरी लातेहार में, टोरी लातेहार में लाह का सबसे बड़ा निर्यातक केंद्र कौन सा है, टोरी लातेहार, जो कहाँ पर, झारखंड में पड़ता है, ठीक है।
और इस जिले का निर्माण कब होता है? इस जिले का निर्माण 4 अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल 2001 को इसका निर्माण होता है। ठीक, अब अगर बोलेंगे कि 90% जो निर्यात होता है, ये कुल उत्पादन का कितना 90% को निर्यात कर दिया जाता है, ठीक है, और जितना भी उत्पादन होता है 90% ऑफ कुल उत्पादन, यानी कि जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 90% जो है निर्यात कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो कहाँ से होता है? टोरी लातेहार से करता है। देखिए, अब अगर उत्पादन की बात की जाए तो उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान आता है? खूंटी आता है, ये खूंटी आता है इसका उत्पादन में। और जितना भी भारत में कुल उत्पादन का लगभग 60% जो है ये झारखंड में उत्पादन होता है, 60% उत्पादन जो होता है ये कहाँ पर? झारखंड में, ठीक है। पूरे भारत का अगर कंपैरिजन लें विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, ठीक है, इंडिया के कंपैरिजन में अगर बात करेंगे तो झारखंड में जो है 60% लगभग उत्पादन होता है। तो अगर निर्यात की बात करेंगे तो कहाँ पर? टोरी लातेहार। और उत्पादन की बात करेंगे तो ये कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा खूंटी में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है कि एक भारतीय ला अनुसंधान संस्थान है, भारतीय ला अनुसंधान संस्थान है, अनुसंधान संस्थान है, भारतीय ला अनुसंधान संस्थान है। ये कहां पर है? ये नामकुम रांची में पड़ता है, ठीक है, नामकुम रांची में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1925 में हुआ था, 1925 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड समन्वयक समिति के संयोजक कौन थे? झारखंड समन्वयक समिति यानी कि झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी, झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी, समन्वयक समिति, ठीक है, झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी, इसका में जो है 1987 हो गया इसका निर्माण हुआ है। और इसके जो संयोजक हैं, संयोजक हैं ये कौन है? संयोजक पड़ता है विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, बीपी केसरी, बीपी केसरी, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, विश्वेश्वर, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, ठीक है, इसके संयोजक थे। ये संयोजक क्यों? क्योंकि इसमें जो है 53 दलों को मिलाकर जो है इस समिति का निर्माण किया गया था, ठीक है, 53 दलों को मिलाकर इसका निर्माण किया गया था। कहाँ पर किया गया था? रामगढ़ में किया गया था, रामगढ़ में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वेश्वर प्रसाद। और इसी तरह का एक है झारखंड विषयक समिति, झारखंड विषयक समिति, तो झारखंड विषयक समिति भी आप याद रखें, क्योंकि इसका जो है एक याद रखेंगे तो 2 साल बाद जो है 1989 में जो है इसका निर्माण किया गया था। और इसी तरह जो है दलों को मिलाकर किया गया था। और इसके जो संयोजक थे ये कौन थे? बीएस लाली, बीएस लाली, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट थे।
और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।